Hello friends, if you are buying emollient coin, you lose your BTC Santoshi. Yes, आज हम बात करेंगे emollient के बारे में. Friends, जैसे आप सब जानते हैं कि emollient coin आजकल का बहुत popular हुआ है. लेकिन आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी, share करना चाहूंगी कि शायद आपको उससे reality में emollient का किस तरह वो work करता है वो आपको समझ आ जाए, कि वो fraud है कि नहीं है वो आप समझ पाए. मैं उसका method आपको ज़रूर explain करूँगी. बाकी उसको fraud समझना या real समझना, it's your choice. Let's begin. Emollient coin का फंडा ये है कि जब भी आप बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है तो emollient के संतोषी कम हो जाते हैं, और अगर बिटकॉइन की कीमत घटती है तो emollient के संतोषी की कीमत के संतोषी बढ़ जाते हैं. यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि अगर emollient इंक्रीज होगा तो तभी उसके बिटकॉइन emollient तभी इंक्रीज होगा, उसके संतोषी तभी इंक्रीज होंगे जब बिटकॉइन डिक्रीज होगा, मींस उसके प्राइस घटेगा. बिटकॉइन के रेट बढ़ते ही emollient कॉइन्स या कि टी टेक के संतोषी घटने शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे जाके शायद आपको भी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करना या ना करना, इट्स योर चॉइस. मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जो emollient कॉइन है उसके वो आपको रिटर्न्स देगा, डॉलर्स में देगा, बट लेकिन आपसे वो संतोषी लेकर आपको संतोषी में ही कन्वर्ट करने होंगे. तो अगर संतोषी की वैल्यू घटती है emollient के टेक कॉइन्स के संतोषी की वैल्यू अगर घटती है तो वो आपका ही नुकसान होगा. बाकी आप अपनी समझ से चाहे उसमें इन्वेस्ट करें.